ये बाइक है ना, दिखती छोटी है, इंजन सीसी भी छोटा है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करती है। ये ऐसी बाइक है ट्रैफिक में अगर आप आराम से चलाना चाहो 8 से 10 की स्पीड पे, 8 या फिर 10 से 15 की स्पीड पे, तो आपको कोई जर्क्स नहीं आते हैं, बाइक एकदम से स्मूथ चलती है। एंड द मोमेंट यू नीड पावर, अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए तो बस इसको आप ऐसा खोल दो, मस्त भागती है। एंड ट्रस्ट में, मैंने बहुत सारी 150 या 200 सीसी की बाइक चलाई है, इकलौती ऐसी बाइक है जिसके अंदर आपको जीरो वाइब्रेशन फील होता है अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरी सिंगल सिलेंडर बाइक से। बहुत मतलब जीरो वाइब्रेशन समझ लो आप, नॉट ओनली लोअर स्पीड, आप टॉप स्पीड में भी आप देख लो कोई वाइब्रेशन नहीं होती है बाइक में, बिल्कुल स्टेबल रहती है। 100, 150 या 200 सीसी की बाइक पे अगर आप 100, 120 की स्पीड पे जाते हो तो थोड़ा सा ऐसे हिलाओगे थोड़ा सा तो बाइक पीछे से पूरी हिल जाती है, पूरा वोबल होती है ऐसा। लेकिन ये एक इकलौती ऐसी बाइक है, आप वो स्पीड पे 120, 130, 140 पे पास ऐसा इसको हिला लो, बाइक पीछे से बिल्कुल भी वॉबल नहीं करती। 150 सीसी की बाइक इतनी स्टेबल है, वो भी हायर स्पीड पे। इसकी जो VVA टेक्नोलॉजी आई थिंक 7600 या 7400 RPM पे एक्टिवेट होती है, मज़ा आ जाता है भाई। उसका मतलब ये है कि आपको लोअर RPM में भी ज़्यादा पावर मिलती है और हायर RPM में भी आपको उतनी ही पावर मिलती है। VVA टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल काम वही रहता है, वैसे टेक्निकल टर्म्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर लेमैन की लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो उसका काम इतना ही है कि आपको लोअर बैंड जो लोअर RPM में भी पावर अच्छी देती है और हायर RPM में भी आपको पावर एकदम से सिमिलर ही आपको देती है जितना आपको लोअर RPM में मिलता है। थर्ड गियर मेरा इसमें फेवरेट है, बिकॉज थर्ड गियर में आप जब 80-90 की स्पीड पे ले जाके जैसे एक्सेलेटर छोड़ते हो ना, तो साउंड आता है ना पोम, मस्त रहता है, मज़ा आता है। आपको सामने अगर रोड खाली है तो थोड़ा आपको मैं थर्ड गियर पे खींच के बताऊंगा। अब मेरा कैमरा जो इतना जस्टिफाई इसको नहीं कर पाएगा और साउंड इतनी कैप्चर कर नहीं पाएगा। चलाओ जैसा मर्जी आपको चलाना है चलाओ, लेकिन दूसरों की लाइफ को डेंजर में मत डालो, कभी भी मत डालो। आपको जो करना है करो, ऐसा नहीं कि दूसरों के बारे में सोच सोच के आप खुद की लाइफ जीना बंद कर दो। बस इतना ही है, दूसरों को परेशान मत करो, जैसा आपको हक है जो आपको करना है वो करने का, तो वैसे ही सबको ही हक है। तो मेक श्योर आप दूसरों को परेशान ना करें, रोड पर मजा लो, अच्छा चलाओ, जैसा आपको चलाना है चलाओ। बाइक राइड का एक दूसरा नाम क्या है पता है? मज़ा। अगर आपको बाइक चलाने में, राइड करने में मज़ा नहीं आ रहा तो उस दिन मत चलाओ, उसके अगले दिन चलाओ। कनेक्टेड नहीं रहते हो आपकी बाइक से तो मज़ा आता है नहीं। सच बताऊं तो हैदराबाद में सबसे गंदा फ्लाईओवर है तो यही है। नॉट बिकॉज कि फ्लाईओवर गंदा है, लेकिन ये क्या है, देखो ये वाला, देखो ये, देखो ऐसा कौन बनाता है, ऐसा कौन बनाता है, ये देखो, ये एक और देखो। और जैसे फ्लाईओवर से आप नीचे उतरते हो लेफ्ट साइड में कितना जो कंक्रीट है, पत्थर है, छोटे छोटे देखो रोड, अगर आप स्पीड में लेके आओगे ब्रेक नहीं लेके ना, सीधा घुस जाओगे भाई फोर्ड के शोरूम में। यस, वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रोड है हैदराबाद की ये, बिकॉज यहाँ से कोंडापुर से भी लोग आते हैं, माधापुर से आते हैं, हाटिक सीट से आते हैं, गच्ची वोली से लोग आते हैं, तो ये रोड तो कम से कम ढंग की रखो यार। चलो गाइस, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज ये कैजुअल वीडियो ही है उनके लिए जो मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपको R15 में क्या दिक्कत आए अभी तक, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आया। एंड दिक्कत एक ही आई थी जो मैंने आपको बता दी, वो भी दिक्कत नहीं थी, अपनी गलती की वजह से आई थी वो। एंड प्लीज़ वीडियो लाइक करते जाइए। अभी ये कार वाले को क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा गुजरा है। देखो कि और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं, अपना इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी। सब्सक्राइब कर लियो भाई, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आजकल व्यूज़ तो वैसे भी आप लोग अरे नाइस कार, कॉन्टेसा क्लासिक, अच्छी गाड़ी। मेरा भी एक ड्रीम है कि मुझे ऐसी कार लेके, पुरानी मतलब एकदम से चलने वाली कंडीशन में नहीं रही तो भी चलेगी, लेकिन मैं ऐसी कार लेके उसको बनाऊं, उसको खुद मॉडिफाई करूं एंड फिर कभी वीकेंड पे चलाऊं। साला कोई मर्सिडीज़ को देखे ना देखे, लेकिन ऐसी मजल कार को ज़रूर कोई देखेगा पक्का।